अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी फिलहाल ड्यूटी पे हूँ। एक पासपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, अगर जो आप कुवैत में हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कुवैत में हैं, तो ये आपके लिए है। वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी भाई पासपोर्ट अगर जिनका एक्सपायर हो गया है या कुछ दिन बचा है और वो रिन्यूअल कराने वाले हैं, तो उनके लिए खास करके न्यूज है। पहले क्या था बता दें आपको कि आप सिर्फ पासपोर्ट लेके जाओ और अपना सिविल आईडी दोनों लेके जाओ, रिन्यूअल हो जाता था, सबमिट हो जाता था और हफ्ते 10 दिन में आपका आ जाता था। लेकिन अभी जो है इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके बताया है ये चेंज हो गया है सिस्टम। अगर जो अब आपको नया पासपोर्ट आपको रिन्यूअल कराना है, चाहे पुराना आपको रिन्यूअल कराना है, तो उसके लिए क्या क्या कुछ कंडीशन अलग रख दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका जो है आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप भाई इसको जो है शेयर करिए। मैं आपको बताता हूं कि इंडियन एम्बेसी ने जो ट्वीट करके बताया है क्या है वो, जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसके पहले कोई और क्वेश्चन था, ये किसी ने क्वेश्चन किया है तो इसी का जवाब, ये कोई क्वेश्चन किया है इंडियन एम्बेसी को जो है, लोग ट्वीट करके छोड़ते हैं तो कुछ दिन बाद रिप्लाई मिलता है। तो देखिए लिखा है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द गेटिंग ए न्यू पासपोर्ट इन लियू ऑफ द एक्सपायरी पासपोर्ट। जो पासपोर्ट जो एक्सपायर होने वाला है, जो हो चुका है, उसका क्या नियम कानून है उसको रिन्यूअल कराने का। तो आंसर दिया गया है एम्बेसी की तरफ से, बोला गया है, पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन अलोंग विद द अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर, यानी जो अंडरटेकिंग आपके मालिक के द्वारा ही आपको जो है पासपोर्ट रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले, चाहे कंपनी में है चाहे तब भी। इन केस डोमेस्टिक वर्कर, ये तो अभी हो गया कंपनी वालों का, इन केस डोमेस्टिक वर्कर जैसे हम लोग, टू सबमिट स्पॉन्सर सिविल आईडी कॉपी। पहले था सिर्फ अपना सिविल आईडी कॉपी आपको जमा करना पासपोर्ट हो जाता था, लेकिन अब आपके कपिल का भी जो है सिविल आईडी लगेगा, तब तो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होगा। ओरिजिनल पासपोर्ट एंड द लेटेस्ट सिविल आईडी कॉपी, जो आपका लेटेस्ट बना है सिविल आईडी कॉपी, या फिर उसमें तो 4-6 महीने टाइम है तो भी चलेगा, शैल बी सबमिट एट BLS आउटसोर्सिंग सेंटर। देखिए कुवैत में एम्बेसी तो एक ही है, लेकिन ये कई जगह अपना ब्रांच है, जो ब्रांच है जैसे फाइल में हो गया, कई जगह है, तो वहां पे इनका जो है एड्रेस होता है, दिए होते हैं एम्बेसी की तरफ से, लोग दिए जाते हैं एड्रेस की, ताकि आप वहां पे जाके आप जमा करें। आउटसोर्सिंग सेंटर प्लीज फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द वेबसाइट। इसके लिए आपको पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ये वेबसाइट का नाम है, आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आपको जो है क्या करना है, इस पे जाके ऑनलाइन करना है। उसके बाद रिन्यूअल पासपोर्ट, जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दबाना है, इसमें आएगा ऑप्शन रिन्यूअल पासपोर्ट आर एट द BLS आउटसोर्सिंग सेंटर। तो भाई जिनका पासपोर्ट आपका एक्सपायर होने वाला है, चाहे हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपके कपिल से जो है उसका सिविल आईडी लगेगा और आपका सिविल आईडी लगेगा। पहले सिर्फ आपका लगता था और पासपोर्ट, लेकिन अब उसके बाद ये सब रहने के बाद वो आप जब वहां जाएंगे तो लगेगा, साथ में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन करके जाएंगे तभी आपका हो पाएगा। तो ये छोटा सा न्यूज था, इसको शेयर करिए, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले न्यूज में, अगले वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।